नमस्कार, मैं डॉक्टर इकबाल अहमद बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं मानव अधिकार संगठन का इंटरनेशनल एडवाइजर हूँ और मानव अधिकार संगठन का मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा संदेश ये है लोगों को कि भी हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों को संविधान में हमको पूरा राइट है। ये केंद्रीय मानव अधिकार के जरिए से मैं ये इतला देना चाहता हूँ कि भी हम लोग आपस में डिवाइड ना हो, हम लोग एक रहें और जो भी अपना हक है हक के लिए हम लोग हुकूमत से मतलब जो भी अपना हक मांग के लें और आपस में प्यार मोहब्बत एकता बढ़ा के रखें। हम लोग को हर धर्म में यही सिखाता भगवान, अपना जितने अपने गुरु रहेंगे भगवान का यही संदेश है कि हम ये एक ही भगवान को मान रहे हैं और भगवान की पूजा करके हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत करके भाईचारे से ज़िंदगी करेंगे। एक दूसरे की तकलीफों को हम लोग बांट के लेंगे और जिसको भी जो भी तकलीफें हो रही है आज यहाँ खुशूसर में कर्नाटक में बहुत देखा हूँ, यहाँ पे आजकल डिवाइड हो गए, पहले यहाँ पे बहुत प्यार से रहते थे। तो हम यहाँ पे हम लोग एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि भी हम लोग हिम्मत से रहें, डरना नहीं, अब आपस में प्यार मोहब्बत से मिल के रहें, मिलजुल के रहेंगे। हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान का पूरा राइट देता है हम लोगों को, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में हम लोग हर काम अब आज़ादी से कर सकते हैं। अभी भाई खुशूसर में जितने यंग युवा है ये हमारे केंद्र मानव अधिकार से हम लोग विंग है, उसमें युवाओं को हम लोग पार्टिसिपेशन करा के उनको काउंसलिंग करके उनको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उन लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हम लोग तो मिलिंद दही वाले जो दिल्ली के हमारे प्रेसिडेंट है उनके अंडर में बेंगलुरु सिटी में हम लोग यहाँ पे अपनी ऑफिस स्थापना कर दी है, अपना टीवी भी ये इसका उद्घाटन कर दिए हैं। तो वही चाहता हूँ कि भी चलो यहाँ से हम लोग यहाँ पूरा फंक्शनिंग करेंगे। आपको हम शॉर्टली फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सब हम लोग एडवर्टाइजमेंट के जरिए से मालूम करा देंगे। हम लोग और टच में रहिएगा और आप हम लोगों को इनक्रेज करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और जो पब्लिक में भी अवेयरनेस लेके आएंगे हम लोग। हम आपस में हम लोग मिल के काम करेंगे हर चीज़ का। आज की नेसेसिटी है, आज के दौर की नेसेसिटी है ये, क्योंकि हर जगह पे आपस में भी हम लोग बढ़ गए हैं। ये बढ़ना नहीं चाहिए, हम लोग दलित हो, मुस्लिम्स हो, डाउन ट्रेडन हो, हाँ लेडीज हो, बच्चे हो, बड़े हो, सब हम लोग आपस में मिल के एकजुट रह के एक ही इसमें मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम रहेंगे शॉर्टली हम आपको डिटेल पूरा बता देंगे। तो इंशाल्लाह आप हमको डिटेल बताइएगा, हमसे अप्रोच कॉन्टेक्ट करें और आपके हर मामला को हर प्रॉब्लम को आप हम हुकूमत तक लेके जाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, जितना प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।